पुणे विद्यापीठाने ज्योतिषशास्त्र अभ्यासक्रम सुरू करावा या मागणीसाठी ज्योतिषाचार्य अतुल छाजड यांनी उपोषणाचा इशारा दिलाय. अनेक विद्यापीठांमध्ये हा अभ्यासक्रम शिकवला जातोय, मग पुणे विद्यापीठातच का शिकवला जात नाही असा सवाल देखील त्यांनी केलाय. याबाबत पुणे पत्रकार संघात त्यांनी पत्रकार परिषद देखील घेतली आहे. ज्योतिषशास्त्र हे भारताच्या अनेक विद्यापीठांमध्ये शिकवले जाते. फक्त एवढेच नाही तर जगातील सर्व विद्यापीठांच्या अभ्यासक्रमामध्ये ज्योतिषशास्त्राचा समावेश आहे. इथपर्यंत ज्योतिषशास्त्र मर्यादित नसून संपूर्ण विश्वभर त्याचे संशोधन केंद्र देखील आहेत. ज्योतिषशास्त्र हे खूप प्राचीन आहे. एवढेच नाही तर आपल्या भारतीय संस्कृतीचा तो एक अमूल्य भागच आहे. मग पुणे तर विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते, तरी देखील पुणे विद्यापीठामध्ये ज्योतिषशास्त्र आतापर्यंत का शिकवले जात नाही? आपल्या एवढ्या प्राचीन संस्कृती शास्त्राविरुद्ध अशी कोणती देशद्रोही संघटना किंवा संस्था आहे? त्या संस्थेचे नाव आम्हाला सांगा, आम्ही त्या देशद्रोहांविरुद्ध कारवाई करू, असे विधान ज्योतिषाचार्य अतुल छाजेड यांनी केलंय. अभी तक पूरे इंडिया में सिखाया जा रहा है, आउट ऑफ इंडिया इसकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, फिर भी हमारे पूना यूनिवर्सिटी में अभी तक ज्योतिष शास्त्र क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? पहले आंध्र चैतन्य मनोसमिति और जयंत नार्लिकर, ये दोनों लोग आड़े आ रहे थे, उनकी वजह से सिखाया नहीं जा रहा था. ये बराबर था, उस वक्त क्या था, कोई ज्योतिष सामने नहीं आया. अभी मैं सामने आया हूँ, आंध्र चैतन्य मनोसमिति का चार्ज था, चमत्कार दिखाओ, 21 लाख लेके जाओ, मैं चमत्कार दिखाने को तैयार हूँ, फिर भी आने वाले सामने नहीं आए. मैंने दावा कर दिया कि हत्या का बात किया, ढूंढने की बात मारे कर ढूंढने का बात किया, फिर भी सामने नहीं आए. इलेक्शन का रिजल्ट था वो भी बोलने को बोला, उसके लिए मैं सामने आया, फिर भी वो भगोड़े और मेशर आंध्र चैतन्य समिति वाले सामने नहीं आए. मेरा कहना है कि वो जब सामने नहीं आ रहे हैं तो अभी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर अभी दूसरा और कोई व्यक्ति है क्या या दूसरी कोई और संस्था है क्या जो ज्योतिष शास्त्र पुणे में सिखाने के लिए आड़े आ रही है? तो आंध्र ऐसा पुणे यूनिवर्सिटी जो कुलगुरु है उनको हमने नोटिस भेजा था कि वह ऐसा कोई अगर व्यक्ति है, कोई संस्था है, तो उनका नाम हमें दो, उस देशद्रोही संस्था या व्यक्ति के ऊपर हम राष्ट्रद्रोह का कलम लगा के उनके ऊपर केस फाइल करेंगे. लेकिन अभी तक उनके कोई नाम आया नहीं, वो तो ऐसा क्यों नहीं आया? यानी इतना दहशत किन किस संस्था की या किस व्यक्ति की है कि जो इतना हमारा भारतीय संस्कृति का प्राचीन अंग ज्योतिष शास्त्र सिखाया क्यों नहीं जा रहा है? पुणे विद्यापीठ का महाराज बोला जाता है, फिर भी सिखाया क्यों नहीं जा रहा है? ऐसा हमारा स्टेटमेंट है. पुढे ते म्हणालेत की तुमच्याकडून लेखी आश्वासन जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही मागाव घेणार नाही, असे येथे ठामपणे म्हणालेत. हमने पिछले बार 2017 में पुणे यूनिवर्सिटी को लेटर लिखा था कि ज्योतिष शास्त्र जब पूरी इंडिया में सिखाया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो पुणे विद्यापीठ में क्यों सिखाया नहीं जा रहा है? तो उनका कुलगुरु का लेटर था कि बोले प्रोसेस चालू है, 17 से अभी 19 आ गए, अभी तक कुछ प्रोसेस कंप्लीट हुआ नहीं है. तो हमारा कहना ये है कि ज्योतिष शास्त्र ये हमारी पुरातन प्राचीन संस्कृति का एक अमूल्य अंग है और पुणे ये विद्या का माहेरघर है. तो ऐसा कौन व्यक्ति है या कौन देश जो संस्था है जो ज्योतिष शास्त्र पुणे विद्यापीठ में सिखाने के लिए आड़े आ रहा है? ऐसा कुलगुरु ने हमें ऑन पेपर लेटर हेड पे लिख के देना, तो उनके ऊपर हम राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई करेंगे. ऐसा लेटर हमने पुणे विद्यापीठ को लिखा है कुलगुरु जी को, उनका अभी कुछ रिप्लाई आया नहीं है. हमारा कहना है कि पहले जो आंध्र चैतन्य मनोसमिति जो थी वो पहले ज्योतिष शास्त्र का विरोध कर रही थी, उनका एक दावा था कि चमत्कार दिखाओ, 21 लाख लेके जाओ, वो चैलेंज हमने एक्सेप्ट किया, वो भगोड़े बेशरम लोग सामने आए नहीं अभी तक. अभी हमारा स्टेटमेंट ये है, जो जयंत नार्लिकर थे उनको भी नोटिस भेजा, वो भी सामने आए नहीं. तो अभी बचा कौन? यानी और कोई है तो जिसका नाम वो कुलगुरु हमें लिख के दे दे, तो उनके ऊपर हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, कोर्ट में फाइल क्लास फाइल करेंगे खिलाफ उनके खिलाफ. तो कुछ तो एक्शन लेने के लिए कुलगुरु ने हमें लेटर पे लिख के देना कि कौन देशद्रोही ऐसा व्यक्ति है या संस्था है जो ज्योतिष शास्त्र को अपने यूनिवर्सिटी के अंदर सिखाने के लिए आड़े आ रहा है. और उसके लिए 25 तारीख को हम उपोषण के लिए बैठने वाले पुणे यूनिवर्सिटी के सामने. ऐसा मेरा स्टेटमेंट है.